हिमाचल की जनता पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच अब डिपुओं में भी सस्ता सामान देने कंपनियों ने इनकार कर दिया है। सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से एमओयू साइन किया। अब महंगाई बढ़ने के बाद इन कंपनियों ने सस्ता सामान उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया है। महंगाई की मार अब सस्ते राशन के डिपुओं पर भी पड़ने लगी है। प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं को अप्रैल से बाजार भाव से 15% सामान जैसे चाय पत्ती, मसाले, साबुन, कपड़े धोने वाला पाउडर, क्रीम नहीं मिलेगा। सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने हिमाचल एमओयू साइन किया था। अब बढ़ने के बाद इन कंपनियों ने सस्ता सामान उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया है। कंपनियों ने नए दाम पर टेंडर करने की सरकार से मांग की है। हालांकि और कंपनियां अभी सस्ता सामान उपलब्ध करवाएंगी। इसके अलावा भी उन्होंने एमओयू साइन किया था दो कंपनियां। उनके प्रबंधकों का कहना है कि महंगाई के बाद रेट पर सामान देना मुमकिन नहीं है। बता दें कि सरकार इस माह बाजार भाव से 20-25% सस्ता सामान कंपनियों से खरीद कर उपभोक्ताओं को 15% सस्ता देने जा रही थी। 10% मार्जिन खाद्य आपूर्ति निगम का था। इस मार्जिन से डिपो होल्डर की कमीशन के अलावा अन्य खर्च निकाले जाने थे। खाद्य आपूर्ति निगम के मुताबिक 20 से ज्यादा कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। डिपो में इन दिनों मार्बल चाय, मसाले, कपड़े धोने का साबुन और पाउडर ही आ रहा है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग आश्वासन देते हुए कहा है कि कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुए हैं। दो कंपनियां सामान देने से इनकार कर रही है तो इसका रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करने के बाद आश्वासन दिया है कि इसका समाधान निकाला जाएगा। हिमाचल की जनता पर महंगाई की चौतरफा पड़ी है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच अब डिपुओं में भी सस्ता सामान देने से कंपनियों ने इनकार कर दिया है। सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी हिमाचल प्रदेश सरकार से एमओयू साइन किया था। अब महंगाई बढ़ने के बाद इन कंपनियों ने सस्ता सामान इनकार कर दिया है। महंगाई की मार अब सस्ते राशन के डिपुओं पर भी पड़ने लगी है। प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं को अप्रैल से बाजार भाव फीसदी सस्ता सामान जैसे चाय पत्ती, मसाले, साबुन, कपड़े धोने वाला पाउडर, क्रीम जैसे सामान अब नहीं मिलेंगे। सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से एमओयू साइन किया था। अब महंगाई बढ़ने के बाद इन कंपनियों ने सस्ता सामान उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया है। कंपनियों ने नए दाम पर टेंडर करने की सरकार से मांग की है। हालांकि कुछ और कंपनियों ने भी सस्ता सामान देने के लिए एमओयू साइन किया है। दोनों कंपनी प्रबंधकों ने कहा है कि महंगाई के बाद अब तय रेट पर सामान देना मुमकिन नहीं है। बता दें कि सरकार इस माह से बाजार भाव से 20-25% सस्ता सामान कंपनियों से खरीद कर उपभोक्ताओं को 15% सस्ता देने जा रही थी। 10% मार्जिन खाद्य आपूर्ति निगम का था। इस मार्जिन से डिपो होल्डर की कमीशन के अलावा अन्य खर्च निकाले जाने थे। खाद्य आपूर्ति निगम के मुताबिक 20 से ज्यादा कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। डिपो में इन दिनों मार्बल चाय, मसाले, कपड़े धोने का साबुन और पाउडर ही आ रहा है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आश्वासन देते हुए कहा है कि कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुए हैं। दो कंपनियां सामान देने से इनकार कर रही हैं तो इसका भी रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बातचीत कर समस्या का समाधान किया जाएगा। दिन प्रतिदिन देश व प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई की चौतरफा मार इस बार हिमाचल प्रदेश लगातार बढ़ रही। महंगाई के बीच अब डिपुओं में भी सस्ता सामान देने से कंपनियां इनकार कर चुकी हैं। सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से एमओयू साइन किया था। अब महंगाई बढ़ने के बाद इन कंपनियों ने सस्ता सामान उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया है। महंगाई की चौतरफा मार हिमाचल की जनता पर पड़ी है। महंगाई की मार सस्ते राशन के डिपुओं पर भी पड़ने लगी है। आपको बता दें कि प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं को अप्रैल बाजार भाव से 15% सस्ता सामान जैसे चाय पत्ती, मसाले, साबुन, धोने वाला पाउडर, क्रीम नहीं मिलेगा। सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया था। अब महंगाई बढ़ने के बाद इन कंपनियों ने सस्ता सामान उपलब्ध
करवाने से इनकार कर दिया है।